बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की, श्री स्वरूप दर्शन, संपूर्ण जीवन चरित, स्वामी आनंदपुरी जी से भेंट, मथुरा में आप जयपुर गए, वहाँ से जगन्नाथ जी का मंदिर में ठहरे, वहाँ से आलोक लाला महावीर प्रसाद के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली पर ले गए, वहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुर जी महाराज से हुई। आपने उन्हें वार्तालाप से कहा और समझाया, भजन अभ्यास के विषय में पूछने पर आपने कहा, मैं इस बात का जिज्ञासु हूँ कि आप जैसे किसी महापुरुष के सीख देते हैं। श्री स्वामी आनंदपुर जी महाराज के आपके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार किया और आपको सामने बिठाकर बड़े ध्यानपूर्वक प्राणायाम तथा उसकी जरूरत बतलाई। इस कार्यक्रम के बाद सभी लोगों ने प्रसाद बांटा गया और उन्होंने यह बात प्रकट कर दी कि आज से यह हमारा शिष्य हुए, आज से ये हमारे शिष्य हुए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार आपको काफ़ी समय जयपुर में रहते हो गया था। स्वामी आनंदपुर जी की आयु जब 90 वर्ष की अधिक हो गई और मृत्यु समय आ पहुंचा है, तो दारोगा जी ने उनके अन्य शिष्य से उनकी प्रार्थना की, आपने जिसको भी उत्तराधिकारी जॉनसन नहीं बनाया है, जिसको हम आपके बाद मानेंगे। स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी आनंदपुरी जी ने आपके विषय में कहा, परमहंस दयाल जी, राम याद को मानो, और शब्द उर्दू में एक कागज पर लिख दिया है। श्री स्वामी जी अर्थात जिस दिन वैराग्य हो, सन्यासी हो, और इसके बाद श्री स्वामी आनंदपुर जी महाराज को निर्धाम पधारने के पश्चात दारोगा रामचंद्र जी तथा श्री स्वामी जी के अन्य शिष्य से मिलकर आपको विधि पूर्वक गुरुगति पर बैठने का आदेश मिला। कुछ काल के पश्चात आपको श्री स्वामी आनंदपुर जी के एक दो प्रमुख शिष्य के अधीन वहाँ का सेवक कार्य लगा दिया और अपना पीछा छुड़ाया। उन लोगों ने बार बार कहने पर आपने ये शब्द कहे कि हम भजन पूजा अथवा भक्ति करने के फकीर हुए हैं, यदि मठ अथवा गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम आपकी संपत्ति अथवा घर का त्याग करके क्यों आते। प्रेमियों, यह बात बिल्कुल सच है। इस प्रकार उन लोगों को आपने समझाया। जयपुर के निवास काल में आपकी उस समय के प्रसिद्ध फकीर हाफजी कुजो त्यागी, बीबी नवाजन, स्वामी गणेशपुर, स्वामी गोकुलपुर आदि से भेंट हुई। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।